करते हैं एक बड़ी खबर की जो आगरा से है, जहां पर स्कूल में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। स्कूल संचालक के परिवार को बंधक बनाया गया। पति पत्नी और बेटी को बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। असलहों से लैस 12 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। एक स्कूल वैन, 3 LED, 15 सोलर बैटरी बदमाश अपने साथ ले गए। 50,000 रुपए कैश और CCTV का DVR भी ले गए बदमाश। विरोध करने पर परिजनों को असलहे की बट से पीटा भी है। लूटा हुआ सामान स्कूल वैन में भरकर फरार हो गए बदमाश। थाना पुलिस, स्वात और कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ताजगंज थाना क्षेत्र के सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल का यह मामला है। तो बड़ी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। डकैती की इस वारदात को 12 बदमाशों ने अंजाम दिया। आगरा से हमारे सहयोगी कामिर कुरैशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामिर, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? देखिए बिल्कुल, ये पूरा मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल का है। स्कूल में डकैती की वारदात हुई। 12 नकाबपोश बदमाश थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इससे स्कूल में हड़कंप मच गया। एक स्कूल वैन, 3 LED, 15 सोलर बैटरी ये बदमाश लेकर फरार हो गए। साथ में 50,000 की नकदी और CCTV का DVR भी बदमाश ले गए हैं। जब इस डकैती का विरोध परिजनों ने किया तो असले की बट से बदमाशों ने परिजनों को लहूलुहान कर दिया और लूट का सामान स्कूल वैन में भरकर ये लोग फरार हो गए। लेकिन सूचना मिलने पर थाना पुलिस के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, छानबीन में जुट गए। तो वहीं स्कूल वैन अब पुलिस ने बरामद कर ली है। रास्ते में ये बदमाश स्कूल वैन को छोड़कर फरार हो गए। जो स्कूल वैन में सामान भरा था वो उन्होंने दूसरी गाड़ी में भरा और सामान लेकर फरार हो गए। लेकिन स्कूल वैन पुलिस ने बरामद की है। हालांकि पुलिस अब बदमाशों की धरपकड़ की गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है जल्द से जल्द इस पूरे वारदात का खुलासा किया जाएगा। शुक्रिया कामिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए हिंदू विवाह पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 7 फेरे हिंदू विवाह के लिए बहुत जरूरी हैं। रीति रिवाजों के साथ हुई शादी को ही कानून की नजर में वैध माना जा सकता है। 7 फेरों और अन्य रीतियों के बिना हिंदू शादी को वैध नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने इसी से जुड़े उस मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया जिसमें पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली, इसलिए उसे सजा होनी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला के खिलाफ दर्ज शिकायत और उसके खिलाफ जारी समन को भी रद्द कर दिया। महिला के खिलाफ उसके पति और ससुराल वालों ने शिकायत की थी कि उसने तलाक दिए बगैर दूसरी शादी कर ली है। महिला ने इसी वाराणसी कोर्ट में चल रहे मुकदमे को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। महिला का यह कहना था कि उसकी शादी 2017 में हुई थी लेकिन दहेज उत्पीड़न के चलते शादी नहीं चल पाई। बाद में ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। दूसरी शादी की बातें बिल्कुल झूठी हैं। मुकदमा बदला लेने की नीयत से दर्ज कराया गया है। दूसरी शादी का कोई भी सबूत नहीं पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हिंदू शादी के लिए 7 फेरे जरूरी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मारपीट के बाद लड़के पर कार चढ़ाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डासना निवासी जावेद का कार सवार लड़कों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और इसी बात से नाराज कार सवार लड़कों ने जावेद को कार से रौंद दिया, मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल लड़के को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और कार सवार आरोपियों की तलाश की जा रही है। खबर आगरा के विकासखंड बिचपुरी नगला पंजा गांव की है, जहां पर स्कूल में एक 6 साल की मासूम की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल शिक्षक ने बच्ची को ब्लैक बोर्ड पर लिखे वाक्य को पढ़ने के लिए कहा लेकिन बच्ची पढ़ नहीं पाई, जिससे नाराज शिक्षक ने बच्ची की डंडों और थप्पड़ से पिटाई कर दी, जिसको वहां मौजूद शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि News18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगे तो बढ़ जाके बाद ने जाने पास से आगे बढ़ जल्दी।